देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आपको मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, हमारे जो फीस है 19,200 है, जिसमें कि रहना खाना फ्री है, पूरा एक महीने का कोर्स है, चिप लेवल रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो आज हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में, ठीक है। जो भी भाई आना चाहते हैं, हमारा सितंबर की बैच फुल हो चुकी है और अगस्त का बैच हमारा चल रहा है। अब अक्टूबर में जो आना चाहते हैं वो अपना बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें कुछ सीटें खाली हैं अक्टूबर के में, ठीक है। तो सितंबर तो हमारा और अगस्त का फुल है। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने एक वीडियो दिया था आप सभी को बना के, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं, देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैंने एक बना के यूट्यूब पर अपने पे अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, जो कि डिटेल्स में वहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं, कहाँ पर कितना वोल्ट कैसे आना चाहिए। यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो अब जो आज वीडियो डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में, लेटेस्ट फ़ोन के बारे में, वो आपको समझ में जब भी आएगा, जब भी आपने देख रखा है। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किट आप देखेंगे, ये होता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। यदि आपको स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से आता है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा अंतर है इनमें। तो आज डिस्प्ले लाइट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने एक सर्किट बनाया है, जिससे कि मैं आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ। देखिए अब होता क्या है कि जब आप आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं जिसके अंदर बॉल वाली आईसी होती है, इसके ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे कि आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन है उनके ऊपर डिस्प्ले सेक्शन का वीडियो डालिए लाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमारा, देखिए ये फोल्डर है, जब आप इसको यहाँ लगा देते हैं, फोल्डर को यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा डिस्प्ले पर लाइट आती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो ये ग्राफिक जो आप देख रहे हैं, ये वाले ये कब मिलते हैं, जब डिस्प्ले पर लाइट आती है। और ग्राफिक नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्ले पर लाइट नहीं है। ग्राफिक तो है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे, किस वजह से, लाइट की वजह से। तो आपको क्या करना है, ऊपर से टॉर्च मार के देखते हैं, पीछे से लगा के देखते हैं फोल्डर पर, तो हमें कुछ फोटो या ग्राफिक दिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि इस पर डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे कैसे आती है, इसमें कहाँ से आती है, वो हम समझेंगे। तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी लाइन भी आपको सब इसी में समझ में आ जाएगा। जो हमारी बैटरी है मोबाइल की, आपको अच्छे से समझना है पहले। देखिए जो मोबाइल की बैटरी है, बैटरी के अंदर जो करंट रहता है 4 वोल्टेज तक का आप इसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 वोल्ट तक करंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये बैटरी आप लगाते कहाँ है, मोबाइल के अंदर जहाँ बैटरी कनेक्टर होता है वहाँ पे आप इसको लगा देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में भेज दिया जाएगा। एक आईसी है, इस आईसी का नाम होता है हमारा चार्जिंग आईसी, ठीक है। जब आप बैटरी लगाते हैं तो यहाँ से क्या है, चार्जिंग आईसी पे सप्लाई जाती है। चार्जिंग आईसी से 2 पॉइंट होते हैं जो कि हमारे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे कॉइल के साथ, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं इसमें कम ज़्यादा, लेकिन देखिए यहाँ से आया तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, इस पॉइंट पे 4 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब 4 वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जब बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाई है तो यहाँ तक सप्लाई हमारी पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद जब इससे आउटपुट में जब जाती है तो इस लाइन को जो नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं BPH पावर लाइन। जो बैटरी से सेकेंडरी लाइन है इसको बोलते हैं BPH पावर लाइन। और जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ पे जो IC है ये भी 6 पिन की ही है। ये क्या है, ये IC भी आपकी 6 पिन की ही है, इसको अच्छे से समझना। जो 6 पिन की IC, देखिए यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था, जब आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, तो ये सप्लाई क्या है हमारी, यहाँ तक कितना मिलेगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की सप्लाई आती है। यदि ये कॉइल ठीक होती है तो यहीं से ही ये सप्लाई हमारी आईसी के इस पॉइंट तक अंदर तक जाना चाहिए। आईसी जो है इसकी जो बॉलें होती हैं उसके अंदर तक ये सप्लाई हमारी पहुंचनी चाहिए इसमें, ठीक है। मान लो आपकी सप्लाई पहुंच जाती है या नहीं पहुंचती है, तो आपको चेक करना है, मल्टीमीटर चलाना आता है, आपको समझ में आती है रिपेयरिंग, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ये बारीकी होती हैं, ठीक है। तो हमारी सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाती है, तो पहुँचने का मतलब है यहाँ तक भी 4 वोल्ट पहुँचे आईसी तक। लेकिन 4 वोल्ट पहुँचने के बाद, इसके बाद अभी कहानी इसमें पूरी नहीं है। अब क्या होगा कि देखिए BPH पावर लाइन जब यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सर्किट देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर एक कॉइल मिलती है। मैंने बताया था
जो बैटरी का प्लस होता है या BPS पावर लाइन होती है, डिस्प्ले IC जो बोल्ट इन का जो सेक्शन है हमारा, और SW की जो लाइन है, SW जो है, इन दोनों को जब लाइन ये जोड़ती हैं तो हमारी कौन जोड़ता है, कॉइल, कौन सी कॉइल जोड़ती है, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए आपको कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में आना, ये है तो यहाँ पे हमारा कॉइल लगा है और ये लाइन ऐसे है, ये है। यदि ये कॉइल ख़राब हो जाती है तो आपके डायोड पर कोई सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। डायोड पर कितने वोल्टेज मिलेंगे, जो हमारे 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक थी वही हमारी डायोड पर मिली। डायोड पर कितना आ गया, 4 वोल्ट, डायोड पर 4 वोल्ट है। और कॉइल ठीक होगी तो इस कैपेसिटर पर भी 4 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। 4 वोल्ट यहाँ आया, यहाँ पे आया, अब ये क्या होगा, यहाँ पर भी 4 वोल्ट मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ तक 4 वोल्टेज आपको मिल चुके, आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। 4 वोल्टेज मिलने के बाद जो हमारा सर्किट है इसमें, ये है एक लाइन है LED DK और एक लाइन है LED DA। ये लाइन यहाँ से हमारी निकल के इस तरीके से और यहीं पे ही चली जाती है। और जो पीछे का जो सर्किट था, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अंतर है, जो फीडबैक की लाइन है वो हमारा इस पे जुड़ता है, किस पे, इस पे ये लाइन इस तरीके से जुड़ती है। तो ये सर्किट में बूस्ट वोल्टेज बिना डिस्प्ले लगाए बनेगा। इस सर्किट में क्या होगा, जब तक आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं लगाते हैं, इसका कनेक्शन यहाँ पे नहीं करते हैं, तब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि जब आप डिस्प्ले यहाँ लगाएंगे ना तो ये पिन आपस में हमारी यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। क्या होगा, ये पॉइंट आपस में शॉर्ट होंगे। जब शॉर्ट हो जाएंगे तो जो हमारा फीडबैक सिग्नल है, जो IC है, इसको क्या कमांड मिलेगा कि हमारी डिस्प्ले इसके अंदर लगी हुई है। जब इसके अंदर डिस्प्ले लगी हुई है तो जो 4 वोल्टेज की सप्लाई थी हमारी यहाँ से, यहाँ तक 4 वोल्टेज भी मिलेगा। तो 4 वोल्टेज कहाँ तक मिलेगा, जहाँ पर मैंने ये गुलाबी लाइन जो है रेड कलर की बना रखी है, तो इतने में आपको 4 वोल्टेज मिलेगा यहाँ से निकलने के बाद में इतना, ठीक है। अभी और समझेंगे अच्छे से, आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन जो लेटेस्ट फ़ोन है वो सारा सर्किट समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है, जब आप इस पर डिस्प्ले लगाते हैं तो ये देखना कहीं कार्बन तो नहीं है, कहीं लूज़ तो नहीं है, या कहीं टूटा तो नहीं है। हो सकता है डिस्प्ले लगाने के बाद ये पॉइंट शॉर्ट ना होते हैं, हो सकता है कि डिस्प्ले कनेक्टर जो लगा रहे हैं आप, होल्डर में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले यहाँ पे चेक करनी है। चेक कर लिए तो LED की जो हमारी लाइन है, DA और DK की लाइनों को चेक करना, प्रॉपर यहाँ पे आती हैं या यहाँ से नहीं आती। तो मीटर बजर मोड पे लगा के आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे बजर आएगा, यहाँ से चेक करेंगे तो फीडबैक की लाइन से बजर मिलेगा। जब ये दोनों लाइनें शॉर्ट होती हैं तो हमारा डिस्प्ले पर बूस्ट वोल्टेज बनता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा। कब तक, जब तक ये जो कंट्रोल की लाइन है हमारी, जब तक कंट्रोल की लाइन एक्टिव नहीं होगी। एक लाइन जो हमारी CPU से आती है, एक लाइन पावर IC से आती है, ठीक है। CPU से और पावर IC से आती हैं लाइनें, कुछ फ़ोनों में डिफरेंस रहता है, इसमें टिक आता है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन लाइनों का मतलब है एक से इनपुट और एक से आउटपुट, देख सकते हैं आप। तो इनपुट जो आउटपुट है हमारा, जब हम फ़ोन ऑन करते हैं हमारी ब्राइटनेस है ना डिस्प्ले की, वो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा जो होती है वो इन्हीं लाइनों से होती है। जब हम डिस्प्ले ऑन करते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले सर्किट है, इस IC को कंट्रोल करने के लिए कमांड आता है कि इस IC को ऑन करना है। हमारी सारी सप्लाइयाँ ठीक हैं और हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा, तो आपको ये लाइन चेक करनी है, ये सारी लाइनें चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा सब कुछ हो गया, और क्या प्रॉब्लम मिलेगी इसमें, ऐसा होगा कि आप फ़ोन ऑन करेंगे तो ऑन होने के बाद में थोड़ी देर बाद फ़ोन बंद हो जाएगा, फिर ऑन नहीं होगा। फ़ोन ऑन किए, ऑन करने के बाद थोड़ी देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक बंद होगा, तो आपको क्या चेक करना है, जो यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल है, जो बूस्ट कॉइल है, ये देखना है क्या ये ख़राब है या हीट तो नहीं है, ठीक है। ये चेक कर ली। इसके बाद जो चेक करना है, इस IC का जो, देखिए पैलर में जो कंपोनेंट है इनका मतलब क्या है, जो पैलर में कंपोनेंट लगे हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है जो हमारा फालतू का फ्रिक्वेंसी और करंट वोल्टेज जो होते हैं एम्पियर, वो ग्राउंड में डालते हैं। यदि ये रेजिस्टेंस आप ख़राब कर देते हैं या ये कैपेसिटर तोड़ देते हैं, किसी भी कारण ख़राब होता है, टूटता है, तो ये IC हमारी हीट होने लगेगी,
ये क्या होगी, आईसी हीट होने लगी। अब हीट क्यों होती है, इसके पीछे एक लॉजिक है, उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एलईडी डी ए और के की लाइन शॉर्ट होनी चाहिए आपस में, कब डिस्प्ले लगाने के बाद, तब बूस्ट वोल्टेज बनेगा। और हमारा जो बैटरी का जितना चार्ज है वो सप्लाई हमारी यहाँ से निकल के यहाँ तक जुड़ेगी। जितनी बैटरी चार्ज है, डिस्प्ले सेक्शन में बीपीएस पावर लाइन नहीं बनती है, तो आप बैटरी के प्लस से भी यहाँ पर जम्पर दे सकते हैं, बात हमारी एक ही है। अब यहाँ पे जब आप देंगे जम्पर तो बूस्ट कॉइल पे पहुँचेगा। अब इन आईसीओं के दो पॉइंटों को कौन जोड़ रहा है, यहाँ से ये बूस्ट कॉइल आपस में जोड़ी हुई है, ठीक है। ये बूस्ट कॉइल ने ये लाइन हमारी जोड़ रखी है। अब डायोड के प्लस पर वोल्टेज आता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो बूस्ट कॉइल है वो ओके है और पीपीएस पावर लाइन सही है, आपको नहीं छेड़ना। डिस्प्ले कनेक्टर पर एलईडी डीए की लाइन पर जो है हमारी जितनी बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज नहीं आता है, तो डायोड खराब है, डायोड खराब है। अब जब हम डिस्प्ले ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हीट होता है, तो आपको चेक करना है या बूस्ट कॉइल हीट होती है या हमारी ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, निकलने से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो कंपोनेंट पैरेलल का है निकल जाता है वो आपको लगाना है। अब कितनी वैल्यू का लगेगा, कहाँ लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको स्कीमेटिक आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये आईसी है ये हमारी चार्जिंग आईसी है और ये डिस्प्ले कनेक्टर है और ये दोनों लाइनें जो है मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले सेक्शन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर वीडियो में आसानी से समझाने की समझ में आ जाए। तो फीडबैक की लाइन को, आईसी को जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। बूस्ट वोल्टेज बनता है, आईसी हीट होती है या अपने आप फ़ोन हीट होता है या डिस्प्ले हीट होती है इसकी, तो आपको ये चेक करना है, ये ख़राब तो नहीं है, इसको चेक किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, प्रॉपर बैटरी भी हमारी चार्ज होनी चाहिए। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए यह जो मैंने बनाया है यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बीपीएस पावर लाइन है यहाँ पे, जो हमारी आईसी है एक चार्जिंग आईसी, और जो बैटरी लगाते हैं बैटरी कनेक्टर पर, जितनी बैटरी चार्ज है उसकी सेकेंडरी लाइन से यहाँ पे आएगा। आने के बाद ये कॉइल के साथ हमारी ये लाइन जुड़ी है, इसके बाद ये लाइन यहाँ से इधर आएगा और ये डायोड के माइनस से ये लाइन निकल के इधर चली जाएगी, जिस पर कि 50 वोल्ट किसी में 40 किसी में 35 इस तरीके से बनते हैं। ये एलईडी डी के की लाइन जो शॉर्ट होती है डिस्प्ले लगाने के बाद में, वो यहाँ पर शॉर्ट होती है। यदि ये शॉर्ट होती है तो आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा। बूस्ट वोल्टेज बनता है तो उससे पहले हमारा ये दोनों लाइनें ओके होनी चाहिए। अब जितना भी आप इसमें कंपोनेंट देख रहे हैं वो सब हमारे ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा सर्किट हमारा सही होना चाहिए। अब मैंने कोशिश की है आपको कि इस वीडियो में आपको जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है मैं उसको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे जो आजकल मोबाइल आ रहे हैं उसके बारे में मैंने एक आपको समझाया है आसान तरीके से। और जो भाई कोर्स करने के लिए आना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो जो अगस्त है इसमें तो हमारा बैच फुल है, इसमें तो कोई जगह है नहीं है। सितंबर का बैच भी पूरा फुल हो चुका है, अक्टूबर की बुकिंग चल रही है, उसमें कुछ सीटें खाली हैं। आप अक्टूबर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाएंगे। आप फ्रेशर हैं तब भी आ सकते हैं, आप काम कर रहे हैं तब भी हमारे पास में आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलते रहेंगे।